50,000 का इनाम? लीजिए साहब, गर्मा गर्म भजिया फ्री में। लाओ भाई लाओ भजिया, और वो भी फ्री। क्या हुआ साहब, मिर्च ज्यादा है क्या? अरे नहीं नहीं, ये लड़की। लड़की? ये वही है। कौन सी? वो रात वाली? वो रात वाली नहीं, ये रानी है, रानी रानी। क्या सबूत है? सबूत ये है, ये फोटो। जल्दी से इसे ढूंढ निकालो, वरना हमारी नौकरी चली जाएगी और जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। रेनू का पता बताने वाले को 50,000 रुपया इनाम। मुबारक हो। मुबारक हो। हाँ देख, तूने अपना बदला तो ले लिया है, अब उसको उसके घर वालों के हवाले करके 50,000 रुपया हासिल कर ले। इतनी बड़ी रकम फिर आदमी लगेगी? नहीं चूचू, अब ना ही मुझे वो पैसा चाहिए और ना ही उसे वापस घर भेजने को दिल चाहता है। अब तो कुछ उसकी आदत सी होती जा रही है। ए राजा, तू चाहता क्या है? बस तू अब जल्दी से इन तस्वीरों के साथ मेरी तस्वीरें मिलाकर 5-6 फोटोग्राफ तैयार कर दे, हो सके तो एक आध शादी की भी। यहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता, और वो कहता है मैं उसकी बीवी हूँ, रानी हूँ। रानियों को कोई भला इस तरह रखता है? ये तुम कहाँ जा रही हो? कहीं भी, मुझे छोड़कर? तुम मेरे कुछ नहीं लगते। और तुम्हारा कुछ नहीं लगता? हाँ। और ये तस्वीरें, ये देखो। अच्छा वो इसकी नेगेटिव चूची के पास थी। देखो देखो देखो, अब तो यकीन आ गया। लेकिन इन फोटोज में तो मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और इतनी कीमती जेवर भी। हाँ हाँ, ये फोटोज उस वक्त के थे जब हम बहुत अमीर हुआ करते थे। लेकिन तुम्हारे कपड़े? मेरा क्या है, मैं तो हमेशा से ऐसे ही हूँ। जो कुछ भी मैं कमाता था वो तो मैं तुम्हारे पर खर्च कर देता था। फिर हम अमीर से गरीब कैसे हो गए? किस्मत की बात है, एक दिन बहुत जोरों से बाढ़ आई और हमारे सारे खेत उजड़ गए और हम गरीब हो गए। अब इस हालत में तुम भी मुझे छोड़ के चली जाओगी तो मेरा क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा? देखो I'm sorry, मैं नहीं जाऊंगी। राजा राजा देखा, ये क्या कर दिया? एक तो नुकसान कर दिया, उसके ऊपर से ऐसे क्यों देख रही हो तुम? हाँ मैं, ये अंडे टूट गए। अरे यही तो मैं कह रहा हूं, हम पहले भी एक दूसरे से टकरा चुके हैं ना? पहले भी? हाँ कई बार। अब जब एक साथ घर में रहेंगे तो टकराएंगे भी ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी तेजी से कहां जा रही थी? बच्चों के स्कूल से ये लेटर आया है। लेटर? हाँ, तुम्हें बुलाया है, आज किसी वक्त स्कूल होते आना। आज? नहीं नहीं, आज मुझे बहुत काम है, आज मुझे बहुत काम है। और बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचना तुम्हारा काम नहीं? उनका अच्छा बुरा देखना तुम्हारा फर्ज नहीं? इस घर के लिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अगर टाइम मिला तो आज चला जाऊंगा, नहीं तो कल देखा जाएगा। कल? लेकिन आज बुलाया है। ये आपके बच्चे? यस सर। इतनी कम उम्र में 3-3 बच्चे हो जाएं तो उनकी परवरिश कैसी होगी? देखिए मैडम, अब ये बच्चे स्कूल में नहीं रह सकते, हमें अपने स्कूल का डिसिप्लिन खराब नहीं करना है। मैं ये हरगिज हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इन बच्चों के साथ साथ हमारे स्कूल के दूसरे बच्चे भी बिगड़ जाएं। यू अंडरस्टैंड सर? इन्हें एक और मौका दीजिए, इट्स अ रिक्वेस्ट सर। मैं वादा करती हूँ कि ये फिर कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। क्या बात करती हैं आप, रोज सारे टीचर आकर आपके बच्चों की शिकायत करते हैं मुझसे, पूछिए इनसे। सर सर, होमवर्क तो करके ये कभी लाते ही नहीं सर, और ऊपर से शरारते, माय गॉड। और सर देखिए देखिए सर, कल ही मेरे स्कूटर के पहियों की सारी हवा निकाल दी सर, और एक बार नहीं सर, एक बार नहीं, 20 बार रिपोर्ट लिखकर इनके घर भेजी जा चुकी है, लेकिन इन्हें कोई परवाह ही नहीं, इनके घर से कोई आता ही नहीं सर। जी वो कुछ घर के कामकाज की वजह से फुर्सत ही नहीं मिलती। आपको फुर्सत नहीं मिलती, आपके हस्बैंड तो आकर बच्चों की खबर ले सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आता आपके हस्बैंड कैसे बाप हैं, और आप, माफ कीजिए मैडम, हम ऐसे गैर जिम्मेदार पेरेंट्स के बच्चों को स्कूल में नहीं रख सकते।
सुना तुम लोगों ने? तुम्हारी वजह से क्या क्या बातें सुननी पड़ रही हैं? मम्मी की कितनी बेइज्जती हो रही है, शर्म आनी चाहिए डब्बू। और तुम दोनों, क्या बात है छोटू, ये कैसे हुआ? नीचे ने मारा। गेंद से? मैं मानती हूं कि मेरे बच्चे शरारती हैं, होमवर्क करके नहीं लाते, इनडिसिप्लिन्ड है, लेकिन क्या आप लोगों में डिसिप्लिन है? What do you mean? इन फूल से बच्चों को इस बेरहमी से मारा गया है, is that what you call discipline? आपने देखे इनके हाथ किस बुरी तरह से जख्मी हो रहे हैं? इस क्रूरती की अगर मैं रिपोर्ट कर दूं, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ये स्कूल बंद हो जाएगा। आप जानते हैं कि एक टीचर की उसके स्टूडेंट्स के लिए क्या जिम्मेदारियां हैं? आपको अपनी जिम्मेदारियों का पता नहीं, और आप मेरे पति की जिम्मेदारियों पर मुझे लेक्चर दे रहे हैं? क्या हक है आपको मेरे पति के बारे में कुछ कहने का? वो दिन रात मेहनत करके घर चला रहा है, आपके स्कूल की फीस भर रहा है, क्या इसलिए कि आप उसके बच्चों के साथ इस तरह का सलूक करें? बड़े शर्म की बात है। आप मेरे बच्चों को स्कूल से क्या निकालेंगे? मैं खुद ही इन्हें इस थर्ड ग्रेड जगह में नहीं रहने दूंगी। Come on children, आज से तुम लोग स्कूल में नहीं पढ़ोगे। चुचू, इसने तो कमाल ही कर दिया यार। क्या आप बोली अपने बच्चों की तरफ से? इसको कहते हैं माँ। हाँ, बच्चों को माँ तो अच्छी मिल गई। नहीं, और तूने देखा? हा? मेरी तो वो जरा भी बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकी। क्या झाड़ा है टीचर को भी और प्रिंसिपल को भी। इसको कहते हैं अच्छी बीवी मिलना। हाँ साहब, बीवी तो आपको आपके मतलब की मिल गई। नहीं, हाँ यार, ये बात तो है। अबे राजा, होश में आ जा, याददाश्त उस लड़की की गई है और भूल गया तू सब कुछ। चल, अब तुम लोगों को नए स्कूल में जाना है, वहां किसी तरह की शरारतें मत करना, पढ़ो लिखो, अच्छी बातें सीखो, अच्छे बच्चे बनो। चलो, रात हो गई, सो जाओ। पचास हजार का माल है, ले चलो। आज ये हीरा बहुत आवाज कर रहा है। उसे भी मोटू की तरह भूख ज्यादा लगती है इसलिए।